मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सड़क हादसे में बाइक सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई है। यह हादसा नवी मुंबई के साकेत रोड पर बुधवार को हुआ है। आपको बता दें कि सड़क के बीच में एक बिजली के खंभे से पहले इनकी बाइक की टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद इनकी बाइक डिवाइडर से भी टकरा गई, जिसके बाद ये बाइक काफ़ी दूर जाकर गिरी और ये दोनों व्यक्ति बाइक के साथ साथ रोड पर गिरे और घटना स्थल पर ही इनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों व्यक्ति नवी मुंबई के घनसोली के ही रहने वाले हैं। इनकी पहचान कृष्ण राव पाटिल 41 साल और उमेश पाटिल 43 साल के रूप में हुई है। मौके पर रावोड़ी पुलिस भी पहुंच गई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रावोड़ी पुलिस ने इस संबंध में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है। वही मुमरा रेती बंदर पर एक सड़क हादसा होते होते बच गया है। खारे गांव टोल नाके के नज़दीक बीच रोड पर एक लोहे का गार्डर पड़ा हुआ था जो खुलेआम हादसों को न्योता दे रहा था। इसकी सूचना मुमरा दमकल विभाग को दी गई और महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा बल और दमकल विभाग मौके पर पहुंची और भारी भरकम लोहे का गार्डर जो बीच रोड पर पड़ा हुआ था उसे रोड से हटाया गया, जिसके बाद सुचारू रूप से यातायात शुरू की गई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।